हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तनु और अनु जुड़वा बहनें थी। एक दिन तनु अपने छोटे भाई संजय को कहती है, ओए छोटू यहाँ। दीदी आपसे तो बड़ा ही लगता हूँ, ज्यादा ना छोटू छोटू मत बोला करो, माँ से बोल दूंगा मैं, वरना अनु दीदी को बता दूंगा। छोटू के बच्चे इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। जब देखो माँ को बताने की धमकी देता है तो कभी अनु को चुगली करता है, आज तो तू गया। अरे जाओ ना, आप मारोगी मुझे, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप तो दिखोगी भी नहीं। छोटू तू देख अब मैं क्या करती हूँ। तनु जैसे ही संजय की तरफ जाती है कि संजय साइड हट जाता है और तनु जोर से गिर जाती है। तनु के गिरने की आवाज सुनकर वहाँ अनु और उसकी माँ शारदा आती है और तनु रोते हुए कहती है, माँ देख लो अपने लाडले को, इससे बड़ी हूँ मैं और इसने मुझे गिरा दिया, अब आप इसे कुछ नहीं बोलोगी। माँ मैंने नहीं गिराया, दीदी तो मुझे मारने आ रही थी, मैं हट गया तो खुद ही गिर गई, अब इसमें मेरी क्या गलती है। तुम दोनों मुझे पहले ये बताओ क्यों लड़ रहे हो कुत्तों बिल्ली की तरह, और मुझे चैन की सांस क्यों नहीं लेने देते। हाँ इसकी गलती है तो भी मुझे ही सुना लो आप, यहाँ मैं गिर गई, मुझे चोट आ गई, फिर भी अपने लड़के को ही देखना है आपको। माँ दीदी ही मुझे छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रही थी और मारने भी यही आई थी, मैं तो बस सामने से हटा था और खुद गिर गई। तुम दोनों का लड़ना बंद हो गया हो तो तनु अब तू चल मेरे साथ, मैं दवाई लगा देती हूँ, दर्द चला जाएगा। अनु तनु दोनों जुड़वा हैं, लेकिन एक पूरब है तो दूसरी पश्चिम, अनु नहीं होती तो पता नहीं दोनों को कैसे संभालती। तूने जो मुझे आज गिराया है ना, रुक जा उसका हिसाब तो होगा, अच्छे से होगा तब पता चलेगा तुझे। इतना बोलकर अनु तनु को दवाई लगाने ले जाती है और उसे दवाई लगा देती है। तनु सो जाती है और थोड़ी देर बाद तनु उठती है तो बोलती है, यार अब तो जीत गया ये छोटू, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी इस छोटू राम को, अभी जाती हूँ इसे सबक सिखाने। इतना बोलकर तनु किचन में आलू के पकोड़े बनाने लगती है। कुछ पकोड़े तो स्वाद के अनुसार वो ठीक बनाती है, लेकिन कुछ में नमक और लाल मिर्च ज्यादा भर देती है और सबको अलग अलग रख देती है। थोड़ी देर में वो अनु को बुलाती है और कहती है, अच्छा सुन अनु, मैंने ना पकौड़े बनाए हैं सबके लिए, तो तू ये ले जाकर ना छोटू को दे दे, मैं दूंगी तो मुंह बनाएगा वो। लेकिन आज चांद कहाँ से निकला है, तो किचन में कैसे आ गई। और हाँ ये संजय बोला करना, छोटू बोलेगी तो वो फिर चिढ़ेगा। चल अब बना दिए हैं तो खा लेना, ये क्या है आज चांद कहाँ से निकला, और मैं तो बोलूँगी उसे छोटू, छोटा है वो घर में सबसे तो छोटू ही बोलूँगी ना। अच्छा ला देकर आती हूँ। इतना बोलकर अनु संजय को पकौड़े दे देती है और सब साथ में बैठकर खाने लगते हैं। संजय जब पकोड़े खाना शुरू करता है तो उसे एक पकोड़े में नमक मिर्च ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। धीरे धीरे काफी सारे पकोड़े खा लेता है तो उसे बहुत जोरों से मिर्ची लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, इसमें इतनी मिर्ची क्यों है, आप लोगों को मिर्ची नहीं लग रही है, कोई पानी लाओ चीनी लाओ, लेकिन कुछ तो लाओ, बहुत मिर्ची लग रही है। क्या हुआ, मिर्ची तो है भी नहीं इतनी जितनी तू बोल रहा है। अच्छा ये ले पानी पी, इसको ही बस मिर्ची लग रही है क्योंकि इसके पकौड़ों में है, अब है ही इतनी तीखी जुबान तो मुँह तो जलना ही था ना। चुप रह तू, यहाँ मेरे बेटे को मिर्च लग रही है और तेरी हंसी बंद नहीं हो रही, जाकर चीनी लेकर आ। रुक पहले मैं संजय के पकोड़े तो चक्कर देखूं, क्यों सबसे तेज यही मिर्ची खाता है और इसको ही मिर्ची लग रही है। अनु जैसे ही संजय की प्लेट में से पकोड़े लेती है और खा कर देखती है तो उसे पता चलता है कि संजय के पकोड़ों में ही बस मिर्च और नमक ज्यादा है, तो वो बोलती है, तूने जानकर संजय के पकोड़ों में मिर्च ज्यादा डाली ना, देख तेरी वजह से उसको कितनी मिर्ची लग रही है, अब जा जल्दी से चीनी ला। मार दो ना दोनों एक दूसरे को, कोई गिरा रहा है तो कोई मिर्च खिला रहा है, जा खड़ी क्या है चीनी लेकर आ। सबको पता चल जाता है कि मिर्च तनु ने जानबूझकर डाली थी, सब लोग तनु को डांटने लगते हैं और तभी किचन से तनु चीनी ला कर देती है। कुछ देर बाद संजय को भी तीखा लगना बंद हो जाता है। तनु और संजय की इस तरह नोक झोंक चलती रहती है। जिस दिन दोनों में से कोई एक भी घर नहीं था तो घर सूना लगता, घर ऐसे ही चल रहा था, दोनों शरारत करते रहते और अनु संभालती रहती। कुछ दिनों बाद संजय अपने आप से कहता है, अभी यहाँ से तन्नू दीदी जाएंगी, ये जो पानी है उन पर डाल दूंगा, बहुत मजा आएगा, वैसे भी बहुत दिन हो गए तन्नू दीदी से मजे नहीं लिए। इतना बोलकर संजय वही पानी की बाल्टी लेकर छुप जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर अनु आती है। संजय अनु को तनु समझकर उस पर पानी फेंक देता है कि इतने में ही उनकी पड़ोसन सुलोचना आती है।
और वो इस तरह से दोनों को देखकर कहती है, हाय मोरी मैया, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो और फिर भी ये सब कर रहे हो। आंटी ऐसा भी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? संजय चुप हो जा तू, आंटी बड़ी है ना और बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। आप अनु दीदी हो? सॉरी दीदी, मुझे लगा तनु दीदी है, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, अब आंटी से माफी तो मांग, बिना बात के बदतमीजी से बात कर रहा है। कैसे नालायक बच्चे हो, थोड़ी भी अकल नहीं है। सुलोचना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर तनु और शारदा आते हैं। तनु सुलोचना को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर कहती है, आंटी आप इतना क्यों चिल्ला रही हो मेरे भाई बहन पर, कौन सा पहाड़ टूट गया? इतना ही चिल्लाना तो अपने भाई को समझा, इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक समझ नहीं आई बहन के साथ कैसे रहते हैं। जरा उसको समझा देती तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती। मेरा छोटा भाई है और आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल रही हो उसके बारे में, और क्या कर दिया मेरे भाई ने? हाँ सुलोचना बहन, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरे बेटे को इतना बोल रही है? ये देख इतना बड़ा हो गया और अपनी बहन के ऊपर पानी डाल रहा है, यहाँ रक्षाबंधन और ऐसे होली सूझ रही है। हाँ तो क्या, आपके घर से पानी खत्म हो गया है क्या? और वैसे भी हम भाई बहन हैं, कुछ भी करे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुन लो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई बाहर वाला आकर मेरे भाई या बहन को कुछ बोले। तनु की बात सुनकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है और तनु को ऐसे बोलता देखकर घर में सब लोगों को बहुत खुशी होती है। इस तरह घर में खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आता है जिसमें तनु संजय को जल्दी से राखी बांधकर अपना गिफ्ट ले लेती है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदलकर अनु के कपड़े पहनकर आती है और संजय से कहती है, ला मैं भी तुझे राखी बांध देती हूँ, छोटू मेरा गिफ्ट तो लाया है ना। दीदी आप तनु दीदी की तरह क्यों बोल रही हो, आप तो छोटू मत बोलो, ऐसा लग रहा है तनु दीदी आपके कपड़े पहनकर आ गई हैं। मैंने सोचा मैं भी तुझे गिफ्ट दे दूं, अब से हम दोनों ही तुझे छोटू बोलकर ही बुलाएंगे। क्यों कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अच्छा चल अब जल्दी से मेरा गिफ्ट भी दे दे। बहुत ही बकवास गिफ्ट है, आप तो बिल्कुल भी ये गिफ्ट मत दो वरना मैं भी नहीं दूंगा कुछ, सोच लो अब। अच्छा नहीं बोल रही, अब मेरा गिफ्ट तो दे दे। संजय तनु को अनु समझ कर गिफ्ट देने ही वाला था कि वहाँ पर अनु और शारदा आते हैं और अनु कहती है, वैसे तू तो बहुत लड़ता है और अब इतना प्यार है कि मेरा गिफ्ट भी उसे ही दे रहा था। अच्छा आप अनु दी हो, एक तो आप दोनों जुड़वा हो, कभी कभी तो गलती हो ही जाती है, और अनु दी भी आपके कपड़े पहन कर आई इसीलिए। तू थोड़ी देर में नहीं आ सकती थी, मुझे मिलने ही वाला था तेरा गिफ्ट। अच्छा बहुत हंसी मजाक हो गया, राखी बांध और पूजा कर। इतना बोलकर अनु भी राखी बांधती है और पूजा करती है और उसके बाद इसी तरह मीठी सी नोकझोंक के साथ सब खुशी से रहते हैं। संजू अपनी माँ संध्या का एक लौता बेटा था, उसके पिता का देहांत हो चुका था, वो बहुत ही स्मार्ट था, साथ ही वो अपने दोस्तों और परिवार वालों के अलावा ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। एक दिन कॉलेज में संजू का दोस्त राजन उसे बोलता है, यार साला क्या जिंदगी है, सुबह बस में धक्के खाते खाते कॉलेज जाओ, यहाँ आके टीचर की बकवास सुनो और घर जाके पेरेंट्स के ताने, लाइफ में तो मनोरंजन जैसे मर ही गया हो। अरे तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, जब देखो तू अपनी लाइफ को कोसता ही रहता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने से जोया और उसका दोस्त अक्षय आ रहे होते हैं। दोनों संजू और उसके दोस्त के पास जाते हैं, तभी जोया बोलती है, संजू अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में मूवी देखने चले। सॉरी आई हैव सम वर्क टू डू सो आई कांट कम विद यू। अबे ओ माँ के लाडले, सुंदर कन्या सामने से पूछ रही है तो मना नहीं करते। हाँ हाँ ये आ जाएगा, काम का क्या है, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में तो कर ही लेगा। संजू का मन ना होने पर भी राजन के कहने पर वो मान जाता है और शाम को घर से बाइक लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे जोया का दोस्त अक्षय मिलता है जो सड़क किनारे खड़ा होकर टैक्सी का वेट कर रहा होता है। उसके पास जाकर वो अपनी बाइक रोककर बोलता है, अरे तुम यहाँ, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? अरे नहीं नहीं, वो मुझे अपने ना नए घर में शिफ्ट करना है तो उसी के लिए मैं ना सामान लेकर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई टैक्सी मिलेगी, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? पर तुम मूवी के लिए लेट हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो ना। संजू के इतना कहने पर अक्षय उसकी बाइक पर बैठ जाता है और रास्ते में सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है जिसे देखकर संजू जोर से ब्रेक लगाता है और अक्षय उसे जोर से पकड़ लेता है।
जिसके बाद संजू को एक अजीब सी स्वीट फीलिंग आती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों अक्षय के नए घर पहुंच जाते हैं और संजू वहां से अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बोलता है, अक्षय के टच करने पर मुझे कुछ अच्छा सा फील क्यों हुआ? ऐसा तो मैंने कभी किसी लड़की के टच करने पर भी महसूस नहीं किया। अगले दिन कॉलेज में जोया उससे रात को ना आने का कारण पूछती है, पर संजू सिर्फ उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से संजू अक्षय के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगता है। अक्षय को भी संजू के साथ रहना और उसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही उनके रिलेशनशिप को पूरे 5 महीने हो जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद संजू अक्षय को कॉल करके पार्क में मिलने बुलाता है और वहां आकर अक्षय बोलता है, हे व्हाट्सअप मैन, क्या बात है, खुद कॉल करके बुलाया तुमने, मेरी याद से तड़प रहे थे क्या? अक्षय के इतना कहने पर संजू उसे जोर से हक कर लेता है और बोलता है, याद तो आएगी ना, पिछले 2 दिन के बाद जो मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। ऐसा है तो तुम अपनी माँ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता क्यों नहीं देते, ताकि हम साथ रह सकें? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? पर हर बार ये सोचकर चुप हो जाता हूँ कि वो ये सब सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगी। जिसके बाद वो कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर संजू अक्षय को अपनी बाइक पर घर ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है और उसे बोलता है, माँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर गुस्सा मत करना, पहले पूरी बात सुनना। ऐसा भी क्या बताना है तुझे जो तुझे इतने पसीने आ रहे हैं? कहीं तू एग्जाम में फेल तो नहीं हो गया? देख अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुझे चप्पल से सूद दूंगी। अरे माँ अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं, वो मैं आपसे कह रहा था कि माँ मुझे लड़के पसंद है, मुझे नहीं पसंद आती लड़कियाँ, मैं गे हूँ। कसम खा रखी है ना तूने कि तू नहीं सुधरेगा, मतलब पहले तो बस मजाक करता था लेकिन अब ऐसे वाहियात मजाक करने लगा है, तू रुक बिना चप्पल खाए नहीं मानेगा। माँ माँ सुनो, देखो मेरी तरफ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गे हूँ, मुझे लड़के पसंद आते हैं, नहीं पसंद आती मुझे लड़कियाँ, और इस बात से मैं नकार नहीं सकता क्योंकि मेरी रीढ़ में अरे निकम्मे, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे अकेले ही पाला है, इसलिए नहीं कि तू गे बने, मुझे लगता है कि तुझ पे कोई बुरा साया है। हाँ तभी तू ऐसी भैकी भैकी बातें कर रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। माँ माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप सुनो तो सही। संध्या संजू की बात को नहीं समझती और ना ही ये मानने को तैयार थी कि उसका एक लौता बेटा गे है। अगले दिन वो एक झाड़ फूक वाले बाबा को लेकर घर आती है और संजू की तरफ इशारा करके बोलती है, बाबा जी यही है मेरा बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ भी कीजिए बस इसके सर से ये गे होने का भूत उतार दीजिए। जिसके बाद वो बाबा संजू के सर पर झाड़ा लगाने लगता है जिससे संजू छींकता है और गुस्से में आकर बोलता है, अच्छी ये सब क्या है माँ, और आप अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। वो बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और संध्या उसे डांटते हुए बोलती है, तू पागल हो गया है क्या, क्यों जाने को बोला बाबा को तूने? बस माँ गे होना कोई ओपरी साया नहीं है, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो तो ठीक है, मैं बस प्रिटेंड ही कर सकता हूँ कि मैं गे नहीं हूँ, जैसे मैं पिछले 5 महीनों से कर रहा हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, बस मैं लड़कों की तरह लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लड़के पसंद है माँ, मैं एक गे हूँ। इतना कहकर संजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अक्षय से मिलकर बोलता है, अक्षय माँ हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए हमें हमारे बीच की रिलेशनशिप को अभी एंड करना पड़ेगा। पर संजू मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और इसी के साथ साथ किस करके एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। ये सब वहाँ खड़ी जोया देख लेती है और हैरान हो जाती है। अगले दिन जब संजू कॉलेज आता है तो जोया उसके पास जाकर बोलती है,
अरे मैं तो तुम्हें स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो मीठे निकले। तभी कहूँ, इतनी लाइन देने के बाद भी तुम पिघले क्यों नहीं। ये सब सुनकर संजू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। धीरे धीरे सारे कॉलेज और उसके सारे पड़ोसियों को भी उसके गे होने की बात पता चल जाती है। सब उसे इस बात के लिए बुरी नजरों से देखने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और अक्षय से ना मिलने के कारण भी अब वो चुप चुप रहने लगता है। उसकी माँ संध्या से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो एक डॉक्टर से इस बारे में पूछने जाती है। और वो डॉक्टर उसे बोलती है, देखिए संध्या जी, गे या लेस्बियन होना कोई बीमारी नहीं होती, ये सब हमारे हार्मोनल चेंजेस पर निर्भर करता है। आमतौर पर इंसान अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं, पर अगर इसका उल्टा होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे बीमारी का नाम दे देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, गे इंसान भी अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। अब तो सरकार ने भी समलैंगिकता को मंजूरी दे दी है, तो आप अपने बच्चे को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद संध्या को समझ आता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, जिसके बाद वो अपने बेटे संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, सॉरी संजू बेटा, एक माँ होकर मैं तुझे समझ नहीं पाई, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे लिए बहू लाए या दामाद, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, फिर वो लड़के से हो या लड़की से, मैं बस तेरी खुशी में ही खुश हूँ। संध्या के इतना कहने पर संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। सेंदी रात को ऑफिस से थकी हारी घर आती है और उसके आते ही उसकी सास रेवती उससे बोलती है, बहू इस महीने घर का किराया नहीं गया और ना ही अभी तक बिल भरा गया है। माँ जी थोड़ा टाइम और दो, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश होके खाना खा ले, एकांश भी आता ही होगा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं खाना, एकांश जी आए तो उनको बोलना कि वो खा ले। क्यों, तुझे क्यों नहीं खाना? ऑफिस से आते हुए मैंने मोमो खा लिए थे तो अब कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। खाना खाने की इच्छा होगी भी कैसे, मोमोज जो ठूस कर आई है, अगर तुझे खाना नहीं खाना होता है तो बोल दिया कर, मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तू रोज रोज बाहर से मोमोज ही खाया कर। माँ जी आप राय का पहाड़ क्यों बनाने लगती हैं? सब खा रहे थे, उन्होंने मुझे भी फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। रेवती सेंडी को मोमोज के लिए डांट ही रही होती है कि तभी एकांश घर आता है और दोनों सास बहू को ऐसे लड़ता देखकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी रेवती उसे रोकते हुए बोलती है, अरे तू अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं है, वो रोज रोज मोमोज खा के आती रहती है, कभी ऐसा ना हो कि मोमोज खाते खाते खुद ही मोमोज बन जाए। माँ मैं तो रोज समझाता हूँ पर क्या करूँ, आपकी बहू है ना मेरी सुनती ही नहीं, आप ही समझा कर देख लो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब सोने जा रही हूँ। ये बोलकर सेंडी सोने के लिए चली जाती है और एकांश फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आता है। रेती उसको खाना परोसकर उससे बोलती है, इस लड़की के इतने नखरे हैं, पता नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे झेला होगा, और तू देख लिया ना लव मैरिज का नतीजा, मुझे तो समझ ही नहीं आता रोज रोज मोमोज कैसे खा लेता है तू। माँ छोड़ो ना इन सब बातों को। अरे मुझे क्या, तेरी बीवी तू जाने। ये बोलकर रेवती उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है और एकांश खाना खाकर अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सेन भी अपने रूम के चक्कर लगा रही है। उसको ऐसे रूम में चक्कर लगाता देखकर एकांश उससे बोलता है, क्या हुआ जो नागिन की तरह फन फैलाकर पूरे रूम में घूम रही हो। एकांश मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं माँ जी से ऐसे बात करती हूँ, पर माँ जी हैं कि रोज मेरे मोमोज के लिए कुछ ना कुछ बोल ही देती हैं। अब आपको तो पता है ना कि मैं मोमोज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ मेरी जान मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर तुम परेशान क्यों हो, कौन सा माँ के बोलने से तुम मोमोज छोड़ दोगी। तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचता है, वैसे मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोल लूं। क्यों कैसा लगा मेरा आइडिया? खतरनाक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर एक बात बताओ, अगर तुम अपने मोमोज की शॉप खोलोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना तुम बेचोगी नहीं उससे ज्यादा तो तुम खा जाओगी। सेंडी एकांश की बात सुनकर उसे घूरने लगती है और एकांश उसको ऐसे देखकर सो जाता है। अगले दिन एकांश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है
और सेनवी को आवाज लगाकर उससे बोलता है। सेनवी, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी आओ यार, मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस भी जाना होता है। तेरी बीवी आज कहीं नहीं जाने वाली। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता, तू खुद जाके देख ले रसोई में और पूछ लियो उससे, वो इतने सारे मोमोज क्यों बना रही है। क्या मोमोज बना रही है? ये सेनवी पागल हो चुकी है। इतना बोलकर एकांश रेवती को सेनवी के आईडिया और रात के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेवती एकांश को ऑफिस भेजकर मोमोज बनाने में अपनी बहू का साथ देती है और उसे बोलती है, किसी की नौकरी करने से अच्छा है खुद का काम करें, बहू ने सही फैसला लिया है और मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर दोनों सास बहू कुछ मोमोज बना लेती हैं। मोमोज तैयार होने के बाद में सेनवी अपनी सास से बोलती है, माँ जी इन मोमोज को बेचने से पहले हम ट्राई कर लेते हैं आखिर हमारे मोमोज बने कैसे हैं, ताकि जब हम अपने मोमोज ग्राहक को दें तो ग्राहक कहीं और न जाकर हमसे ही मोमोज लेने आए। बात तो सही है तेरी, पर बहू ये मोमोज नहीं खाती, इसलिए तू ही खाकर देख और बता कोई कमी तो नहीं है इसमें। सेनवी एक मोमोज खाकर देती है, जिसे खाने के बाद उसको लगता है कि मोमोज अभी थोड़े कम पके हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उन मोमोज को अच्छे से स्टीम करते हैं। मोमोज को अच्छे से स्टीम करने के बाद सेनवी एक बार फिर से मोमोज को ट्राई करती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मोमोज तो ठीक ही लग रहे हैं, पर इसकी चटनी कोई खास नहीं लग रही, मुझे लगता है इसमें नमक कम है। ये बोलकर वो सॉस में थोड़ा सा नमक डाल देती है और इस तरह देखते ही देखते अपने हाथों से बनाए वो आधे से ज्यादा मोमोज खा जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी अब ये मोमोज परफेक्ट लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने ऑफिस के बाहर उस चिंगचोंग के मोमोज खाए थे। वो सब तो ठीक है बहू, पर अब थोड़े से ही मोमोज बचे हैं और इसे बेचने का कोई फायदा नहीं है। ये तो है, पर कोई बात नहीं माँ जी, आज रहने देते हैं, कल से हम मोमोज बेचना शुरू करेंगे। आप समझो कि आज ही अपना ट्रायल था। पर ये जो मोमोज बचे हैं इनका क्या? ओहो माँ जी अब टेंशन क्यों लेती हैं, मैं हूँ ना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। ये बोलकर सेनवी बचे हुए मोमोज भी खा जाती है। रात को एकांश घर वापस आता है और दोनों से बोलता है, तो कैसा रहा आप दोनों का मोमोज का बिजनेस, किसी ने लिया या खुद ने ही खा लिया? हम कल से शुरू करेंगे। अच्छा तो आज जो मोमोज बनाए वो खुद ही खा गयी? माँ ये तो बस मोमोज खाने के बहाने ढूंढती है, पर आप तो समझदार है ना, फिर भी आप इसका साथ दे रही हो। आप माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता ना हम दोनों का एक साथ रहना? यार आप दोनों को जो करना है करो। ये बोलने के बाद एकांश अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू मिलकर पहले से भी ज्यादा मोमोज बनाती है और बेचना शुरू करती है, जहाँ सेनवी मोमोज बेचने के साथ साथ उन्हें खा भी रही होती है। ये देखकर उसकी दुकान पर आई हुई एक ग्राहक उसे बोलती है, अरे वाह बहन, मोमोज बेचने के साथ साथ अपने ही मोमोज खा भी रही हो, मेरे मोमोज मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो मुझे कुछ बोलने वाली, चुपचाप से मोमोज खाओ, पैसे दो और निकलो यहाँ से, मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज, एक काम करो अपने मोमोज खुद ही खाकर खत्म कर लो। वो ग्राहक सेनवी की बदतमीजी के लिए उसे बोल ही रही होती है कि तभी उसकी शॉप पर कुछ ग्राहक और आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी ग्राहक को भड़का देती है, जिसके बाद सेनवी की शॉप पर कोई नहीं आता, पर फिर भी उसकी शॉप के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। दोनों सास बहू घर जाकर एकांश को आज की सारी बात बताती है, जिस पर उसको उसकी माँ बोलती है, आज हमने शॉप खोली और सारे मोमोज खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात है, पर आप दोनों का मुंह क्यों बना है? क्योंकि उनमें से एक भी मोमोज नहीं बिके और सारे मोमोज मैंने खा लिए, अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, मेरा मोमोज बेचकर पैसे कमाने का भूत अब उतर चुका है। ये बोलकर सेनवी उसको सारी बात बताती है और मोमोज का बिजनेस छोड़ने का फैसला लेकर अगले दिन से अपना ऑफिस एक बार फिर से ज्वाइन कर लेती है और पहले की तरह ही बाहर से मोमोज खाना शुरू कर देती है।